इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज या जिन्हें हम कह सकते हैं रेड सेल इंडिस दीज आर एमसीवे मीन सेल वॉलीम मीन सेल हीमोगलोबिन एंड मीन सेल हीमोगलोबिन कंसनट्रेशन दीज इंडिस फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ एनीमियाज जो एनीमिया की हम क्लासीफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे उनकी बेस जो है ये तीन इंडिसज बनाती हैं इंडिसज यानी कि वैल्यूज़ फर्स्ट वन इज मीन सेल हीमोग्लोबिन मैयर ऑफ एवरेज बोलीम ऑफ रेड ब्लड सेल एक रेड ब्लड सेल के एवरेज वॉल्यूम को कहते हैं मीन सेल वॉल्यूम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से मैनुअल मेथड से मीन सेल वॉल्यूम इक्वल होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर काउंट इनटू टेन पैक्ड सेल वॉल्यूम हम पढ़ेंगे ये क्या होता है सो पैक वॉल्यूम अगर हमें पता है तो हम उसको अगर आर बी काउंट से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई कर दें उसको टेन से तो मीन सेल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी और इसका यूनिट होता है फैमटोलीटर में अगर मीन सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है वो मैक्रोसिटिकनीमिया है किस तरह एनीमिया में ये होता है कि जो आर बी सीज हैं वो हमारे कम हो जाते हैं और उनका साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है एनीमिया में आर का साइज़ भी कम हो जाता है और नंबर भी कम हो जाता है इस केस में मीन सेल वॉलीम जो है वो कम रहता है नॉर्मल वैल्यू इसकी है एटी टू नाइन्टी फाइव हेमटोलीटर नेक्स्ट इन इज़ मेन सेल हीमोग्लोबिन मईर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ सिंगल रेड सेल एक सिंगल रेड सेल में जितनी भी हीमोग्लोबिन होगी हो उसको कहेंगे मीन सेल हीमोग्लोबिन इसका फार्मूला है एच बी लेवल जितनी हमारी एच बी आई है उसको आर बी सीज काउंट से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे टेन से तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीन सेल हीमोग्लोबिन की इसका यूनिट है पीकोग्राम मीन सेल हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा होगा तो होगा मैक्रोसिटिक एनीमिया मैक्रोसिटिक एनीमिया में जैसा कि हमें पता है सेल्स का साइज आर बी सीज का लार्ज हो जाता है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगी लार्ज सेल में इसलिए उसका मीन सेल हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा मीन सेल हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होता है एनीमिया माइक्रोसिटिकनीमिया एनीमिया में सेल्स स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं स्मॉल साइज़ के सेल्स हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन भी लेस होती है नॉर्मल वैल्यू है इसकी 27 से 34 फोर पिकोग्राम यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रेड सेल इंडसिस पास पेपर्स में आया हुआ है नेक्स्ट वन इज मीन सेल हीमोग्लोबिन कन्सेंट्रेशन कन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स रेड सेल्स का जितना भी वॉल्यूम है उसमें जितनी भी हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन होती है उसको कहते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इसका फॉर्मूला है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन लेवल डिवाइडेड बाय पैक्ड सेल वॉल्यूम इनटू हंड्रेड यूनिट है इसका ग्राम पर डेसी मीन सेल हीमोग्लोबिन कन्सेंट्रेशन नॉर्मल होता है या इंक्रीज हो सकता है केस ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया क्योंकि इसमें सेल्स लार्ज साइज के होते हैं और कन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है मीन सेल हीमोग्लोबिन कन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है इन केस ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इसकी थर्टी टू से थर्टी सिक्स ग्राम पर डेसीलीटर